और यहाँ पे वो नेड वाला बंदा यार रोने बैठ गया होगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े PUBG दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इसमें तुम्हारा भाई नेड को चकमा दे देता है। मतलब नेड और मेरे गलत पंगे हैं, गलत रिश्ते हैं सालों सालों से, ठीक है। मेरे नेड फटते नहीं, मेरे पे नेड आते सारे फटते हैं, लेकिन यार इस बार कुछ अलग और खतरनाक होता है। मतलब यार मजा टैप आ जाएगा देख के। खैर वो थोड़ा आगे जाके होगा, है ना। मतलब यहाँ पे फिलहाल जोर जा रखे हैं और नेड का तो पता नहीं यार, बैग तक नहीं है यहाँ पे मेरे पास, लेकिन यार जो भी है उसी को उठा के मैं आगे रस कर रहा हूँ। एक आध बॉट में पेल ही चुका हूँ, अब बंदे पेलने की बारी आ चुकी है। एक लोग अब ये भाई हमारे बिल्कुल मुंह के सामने शॉटगन लेके आ जाते हैं। खैर मैं साइड में जाता हूँ, बिल्कुल उजी चिपकाता हूँ। अब बाकी बंदों की बारी। अब यहाँ पे ये हर एक बंदे यार शॉटगन लेके आ रहे हैं, कोई S12 अकेले के घुस रहा है, कोई वो डबल बैरल। खैर जो भी हो, इनका बस एक ही बंदा बाकी होता है जिसके फुटस्टेप आगे से आ रहे हैं मुझे। अब पहले मैं लोगों पे गुस्सा हुआ करता था यार कि कोई जोर्ज क्यों नहीं आ रहा है ना, जोर्ज वो खाली पड़ा रहता था। अभी पता चल रहा है मुझे, जहां तक पता चला है यार लूट कम हो गई है। मतलब पहले ऐसा होता था यार, एक कंटेनर में उतरो पूरे परिवार के लिए गने होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा जोर्ज भी लूटोगे ना फिर भी नंगे रह जाओगे। जैसे इन बंदों को देख लो, मतलब शॉटगन शॉटगन लेके आ रहे थे। खैर जो भी हो, यहाँ पे सबको पेल दिया, जोर्ज खाली हो चुका है। और मुझे नहीं पता क्यों पबजी वाले गेम खराब करने पे लगे पड़े हैं। क्या जरूरत थी लूट कम करने की यार, बंदे आते ही नहीं है अब। अब देखो मुझे 100% नहीं पता लूट कम हुई है कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन यार लूट बिल्कुल भी नहीं मिलती और बंदे तो पूछो ही मत। तो मुझे लगता है यही हुआ यार, लूट कम हो गई तो कौन आएगा नियत्ता ठीलने के लिए। खैर जो भी हो, जॉर्ज खाली हो चुका होता है ना, एक ही सकौड़ आई होती है, उन सबकी पेटी बना देते हैं और जा रहे होते हैं रूचौक की पहाड़ी की तरफ। इस बार मैं बोलता यार बग्गी है तो पहाड़ी पे नहीं जाएंगे, नीचे ही चलते सीधा, और आगे गोलियां भी चल रही होती है। तो करना क्या था, मैं भी नीचे पे ले लेता हूं और बंदे देख लेते हैं हमें। ये तो रहे। अब दिख रही है मुझे गाड़ी ग्लिच। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था यार, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रुका था, है ना। बिल्कुल जहाँ पे मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ वहीं पे भाई सामने खड़े होते हैं और मेरे ख्याल से सप्रेस UMP चलाते हैं। और तुम्हारे भाई पे सिर्फ लेवल 1 का हेलमेट है, है ना। एक गोली लगती है यार हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है। अच्छा हुआ सिर्फ एक सस्ती गन UMP थी, सोचो यहाँ पे बैरल बुरा लेके मोती यार क्या ही हाल होता मेरा। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं इस भाई को भी लूट लेता हूँ और आगे दबा के गोलियां चल रही है ना। मतलब यार जोर्ज कोई नहीं आया, लेकिन रोजॉक बंदे भर भर के आ रखे हैं। तो करना क्या था, मैं अपनी M4 निकालता हूं और वहां पे देखने लगता हूं जहां पे गोलियां चल रही होती है। अब यहाँ पे मैं शायद एक बंदे की किल चोरी करता हूँ, उसके बाद एक बंदा नॉक भी हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ भैया जल्दी से रस कर दो, है ना। गाड़ी में बैठता हूँ, धड़ पैड निकलने की तैयारी। अब देखो यहाँ पे मैंने बग्गी क्यों उठाई, क्योंकि मेरे दिमाग में इस टाइम ये था यार कि बग्गी छूटी है आराम से निकालूंगा, लेकिन आराम का पता नहीं भैया ठोक ठाक के निकाली और गड़बड़ हो जाती। खैर जो भी हो, यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ, आगे बंदा नॉक करके रखा है और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे 2 स्क्वाड की पहले से ही फाइट भिड़ रही थी। तो मैं भी आ जाता हूँ किल चोरी करने। और यहाँ पे आके माहौल शांत टैप हो जाता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है 1 स्क्वाड ठिल चुकी है और जो भी बचे कुचे बंदे यार उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा हमें। पड़ जा रही है। अब यहाँ पे एक बंदा अंदर नॉक हो चुका है, लेकिन हमें कद्दू भी नहीं पता कि यार बंदे कितने हैं यहाँ पे असल में।
और यहाँ पे मुझे एक फ्री की किल भी मिल जाती है, ठीक है। न जाने किसने उसे नोक किया था, लेकिन यार पेटी मैंने बनाई, और एक बॉट भी है नीचे। और ये बोट लोग भी तभी आएंगे यार जब दिक्कतें चल रही होंगी, है ना। यहाँ घर के ऊपर तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं और बोट नीचे से बैरल पटका रहा है। और इसी के साथ ये आखिरी स्क्वाड भी ठिल जाती है, है ना। भले मैं यार सबको नहीं पेल पाया सारी स्क्वाड को, लेकिन किल मैंने लगभग एक ही बात कर ली। यूएमपी वाले बंदे को पेला उस गराज के बगल में, उसके बाद बोट की किल चुराई, बंदों की किल चुराई, ठीक है यार अपना हो चुका है अपना काम। यहाँ पे कम से कम 14 किल तो हुई, मतलब यार झोर उतर के तो सिर्फ दिल ही टूटता है आजकल। खैर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और भी ज्यादा गलत सीन हो, हम धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इसमें गेम्स भी होते हैं, कई सारे मिनी गेम्स भी होते हैं, तो हाँ यार आप वो खेल के भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो हाँ भाई लोग यार, अगर आपको इस चीज का शौक है तो आप इसे जरूर ट्राई करो, ट्राई करके देखो यार, क्या पता मजा टैप आ जाए। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। और उसके बाद मैं डीरॉप के पास जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यार ढंग की गने चाहिए, महंगी गने चलानी है मुझे भी, और बाकी बंदों को भी चाहिए होती है। और यहाँ आते आते मैं पूरी जान से गाड़ी भगाता हूँ, है ना, ये सोच के कि यार सबसे पहले जाऊंगा, डीरॉप की गन उठाऊंगा और सबकी पेटी बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कोई और ही सीन चल रहा है, बंदे पहले से ही पहुंच रखे, मेरे ख्याल से ये लोग यहीं पे उतरे होंगे और हम पे गोलियां चला रहे दबा के। लेकिन तुम्हारा भाई ढीट है तो मैं बोलता हूँ डीरॉप गया भाड़ में, पहले इनकी पेटियां बनाऊं। तो देखो मैं पीछे पे गाड़ी लाता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ ना, इसे मूर्खता कहते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी लेटा हो सकता है, लेकिन ढीट हूं तो यार करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी ढीठता करने के बाद मुझे होश आता है, ठीक है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि यार क्या नशे हैं ये, ऐसे कौन गाड़ी रोकता है ओपन में, है ना। दिमाग में ये चल रहा है कि यार नहीं, कवर में जाना चाहिए, लेकिन यार ढीठ हूं तो नेट डूट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कद्दू कुछ नहीं उखड़ने वाला, लेकिन मैं फिर भी करता हूं। अब ये गाड़ी साइड में भगते देख यार मुझे गुस्सा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन में सब हमारी पेटी बनाएंगे, तो हम गाड़ी लेके भगते हैं पहले। और यहाँ आते आते जैसे तैसे एक बंदे को पेलता हूं, मतलब डैमेज देख रहे हो यार, बंदों ने चलती गाड़ी में अच्छे से लपेट लिया। अब देखो अगर ये थोड़ी महंगी वाली जीप होती तो इतना डैमेज नहीं होता, लेकिन ये है खुली जीप, बिल्कुल हवा भी आएगी, गोली भी आएगी, पेटी भी बनेगी इस जीप में। तो जल्दी से यहाँ पे रुकता हूँ, दूसरे बंदे को बहुत डैमेज दिया था लेकिन यार नॉक नहीं कर सका, लेकिन वो बंदा रिवाइव देने भागेगा तो यार पकड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं तो कद्दू भी नहीं पकड़ पाता किसी को, लेकिन यार हमारे भाई को पीछे से कोई पकड़ लेता है, है ना, नोक नोक करके छोड़ दिया बिल्कुल। पीछे भी बंदे हैं और ये जहां तक मुझे लगता है दूसरी स्क्वाड के बंदे हैं। और यहाँ पे रिवाइव देने से पहले मैं स्मोक में एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। बंदा फुल चौड़ में गाड़ी ला रहा है, वो भाई कोई इज्जत ही नहीं है यार, हम यहाँ बैठे पड़े हैं, नहीं भाई बंदा गाड़ी घुमाए जा रहा है। मैंने बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, स्मोक में घुसते हैं, लेकिन किस्मत काम कर जाती है यार, तुक्के लग जाते हैं और स्मोक में एडजस्ट हो जाता है। और यार जहां तक मुझे लग रहा है वो लोग अब भगने की कोशिश में पूरे। और यहाँ पे देखो स्मोक वगैरह बनाया जा रहा है, अब मैं क्या कर सकता था, उनकी गाड़ी फोड़ सकता था, लेकिन यार देखो गाड़ी, किसी की भी गाड़ी फोड़ना यार बहुत दुख होता है मुझे, खासकर तब जब अपनी गाड़ी फूटती है। तो मैं बोलता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्मोक में एडजस्ट किया, दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत बहुत गलत होता हूँ, मतलब तुक्के हर बार नहीं लगते।
और मेरा समोक में एडजस्ट करने का सपना चूर चूर हो जाता है ना। पहली बार हो गया था, मुझे लगा ठीक है यार ये लोग बैठेंगे, मैं बैठते ही पेटी बना दूंगा गाड़ी में। लेकिन यार जब तक मैं गोली चलाना शुरू भी करता हूँ वो लोग गायब हो चुके होते हैं। खैर उतने में ही ये पीछे से दूसरी टीम के बंदे गाड़ी लेके आते हैं और इनकी यहीं पे पेटी बन जाती है। और हाँ भाई लोग, तुम्हारा भाई डेली रिहो टीवी में स्ट्रीम वगैरह करता है और वहाँ पे डेली गलत सीन होते हैं। और देखो अभी आने वाले 7 दिन के अंदर पोको का गिव अवे खत्म होने वाला है, तो हाँ यार आप पे अभी भी मौका है पोको जीतने का, तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। और अगर आपको खुद को शौक है स्ट्रीम करने का तो आप रियो टीवी पे कर सकते हो रियो स्टूडियो की मदद से, और आपको पैसे भी अर्न करने का मौका मिल जाएगा वहाँ पे। और जानकारी के लिए आप रियो टीवी के हेल्प एंड सपोर्ट में जा सकते हो और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो हाँ यार फॉलो करना मत भूलना, आओ यार डेली गलत सीन करेंगे और पोको जीतने का भी मौका है। खैर उसी के साथ मैं मिल्टी रैरी की तरफ आ गया हूँ क्योंकि जोन इधर ही बन रहा है। और ये बेचारा बंदा वहां पे किसी की पेटी लूट रहा था, है ना। मतलब भाई मस्त लूट रहे होंगे कि भैया ये स्कोप नहीं, मैं ये वाला उठाऊंगा। उतने में ही मैं पीछे आता हूँ, लेटता हूँ और बिल्कुल सस्ता स्प्रे देके सीधा पेटी बना देता हूँ। अब देखो वहां पे फाइट चल रही होती है, गोलियां दबा के चल रही होती है, तो हम ना जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं भी आता हूँ गाड़ी लेके, ठोक देता हूँ यहाँ पे। और यार तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारा भाई पहली बार नेड के साथ गलत सीन कर देगा। मतलब हमेशा नेड मेरे साथ गलत सीन करता है लेकिन इस बार नहीं यार, देखो मजे लो इस चीज के। नेड है और यहाँ पे वो नेड वाला बंदा यार रोने बैठ गया होगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मतलब भाई बिल्कुल खुश होगा कि यार देखो दरवाजा खुला पड़ा है, मैंने नेड खींच दिया है, मैं बहुत महंगे नेड करता हूँ, आज तो फाड़ के ही मानूंगा। तो भाई नेड करते हैं, नेड मुंह के सामने पहुंचने ही वाला होता है मेरे और मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। और देखो ये जो हरकत मैंने नेड के साथ की है ना, नेड माफ नहीं करने वाला मुझे, अब से मुझे नहीं लगता मेरा एक भी नेड फटेगा, एक भी। तो यहां पे मैं एक आध नेट करता हूं और मजा ले जो एक फट जाए। मतलब जब मैंने ये बदतमीजी नेट के साथ की ना, मतलब मुंह के सामने दरवाजा पटक दिया नेट के, मैं समझ गया था अब से मेरे नेट फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। खैर यहां पे इन दोनों को देखो आगे दो सांप बने बैठे हैं जहां तक मुझे पता है, क्योंकि एक बंदा नॉक हुआ था और किल के नाम पे मुझे कद्दू कुछ नहीं मिला है। तो मैं इधर उधर भटकता हूँ दोनों की पेटी बनाने की कोशिश में लेकिन यार नहीं हो पाता। और हाँ भाई लोग यार ये सस्ते नेट से बचने के लिए लाइक के बटन को पहला मत भूलना यार, बिल्कुल ठोक के नीला टैप कर दो, बिल्कुल नीला कर दो। अब देखो जो मैंने करा वहां पे बिल्कुल टीपी पे लेना, वहां पे ये पता होते हुए भी कि सामने बंदे वो ढीठता होती है, तो देखो यार अगर आपके सामने दरवाजे नहीं हैं तो वो ढीठता मत करना क्योंकि कई बार नेट फट जाते हैं। अब उनका एक बंदा मैं दोबारा नॉक कर चुका हूं और रिवाइव वो कद्दू भी नहीं हुआ है, तो मैं बोलता हूं यार इस बार तो रस करके ही मानेंगे हम। तो मैं गाड़ी निकालता हूं, जाता हूं दूसरे बंदे की पेटी बनाने के लिए। इतने में ही कोई और आ जाता है यहां पे। अब यहाँ न जाने कितने बंदे बैठे पड़े हैं, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, बोलता हूँ कि यार साइड से पेलेंगे, फ्लैंक मार के पेलेंगे, है ना। मेरा फ्लैंक फ्लैंक ही रह जाता है, वो बंदा कहीं और भगता है और उसकी पेटी कोई और बना देता है। खैर देखो अब जो बंदा पेटी बनाया यहाँ पे उसे मुझे नहीं लगता पता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो करना क्या है यार, यहाँ पे मैं D2, मैं नहीं चाहता वो सांप बन जाए इस बार, तो मैं इंतजार करूंगा उस बंदे के इस गाड़ी में आने का, क्योंकि यार वो बंदा सांप बन के बैठा था जहां पे भी बैठा था और अब जोन जाना है तो भाई गाड़ी पे जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
और जो मुझे लग ही रहा था वही हो जाता है यहाँ पे। मतलब यार डेड आईक्यू दिमाग कभी कभी काम कर जाता है। खैर जो भी हो, इस बंदे को मैं अंधा लूटता हूँ। और देखो जब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी तब मैंने एक चीज देखी थी, वो ये है कि किसी एक बंदे पे AWM पड़ी है ना। देखो जोन बहुत छोटा हो चुका है, इस जोन पे अगर आप पंगे ले रहे हो, लूट रहे हो बाहर, तो दिक्कत हो सकती है, कभी भी पेटी बन सकती है आपकी। लेकिन तुम्हारा भाई क्या है, ढीठ बिल्कुल है ना। मतलब सारी लूट लूटूंगा मैं, 6x भी लूटूंगा, 8x भी लूटूंगा, AWM भी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बंदे पे आगे वाली पेटी पे AWM पड़ी होती है। तो देखो जोन बहुत डैमेज दे रहा है और जोन पूरा जब छू जाएगा दूसरे जोन को, डैमेज और भी बढ़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई इतना ढीठ है कि यार पूरी गोली सब कुछ लूट के निकलता है यहाँ से। खैर वहाँ पे लूट लेता हूँ मैं, AWM भी है, M4 भी है, सही है यार, मज़ा टैपा रहा है। अब बस बंदे ढूंढने, सांप का चक्कर मौत का टक्कर होगा अभी। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ, बिल्कुल फटके चार हो रखी है क्योंकि कोई भी कहीं से भी मार सकता है। लेकिन यार रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, देख रहा हूँ मैं। और देखो हम यहाँ पे रुके हैं और आगे वाली पहाड़ी में फाइट दबा के चल ली है ना। तो मैं बोलता हूँ यार ऐसे 21 किलो रखे हैं, कैसे काम चलेगा 21 किल में। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ उन बंदों की पेटी बनाने है ना, इससे पहले वो आपस में ढिल जाएं। तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और फुल रफ्तार भगाता हूँ गाड़ी को। आगे भाग रहे हैं। और ये बात मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यार वो बंदा बच के निकल गया। मेरे मुंह के सामने से बंदा ओपन में भग रहा है। इतना सस्ता स्प्रे दिया मैंने कि यार बंदा ही नहीं ठिला। मतलब मेरे ख्याल से 10 HP बाकी होगी बंदे की, लेकिन यार जब किस्मत में किल नहीं लिखी होती तो कद्दू भी नहीं मिलती किल है ना। तो मैं सोचता हूँ यार देखो AWM भी उठाइए, AWM से फटके पेलता हूँ, भले ही किसी को ना पेल पाऊँ लेकिन यार गोली बर्बाद तो करनी पड़ेगी, नहीं तो AWM गाली देगी यार, उठाई है चलाना तो पड़ेगा बिल्कुल ही। खैर आगे बंदे आपस में लड़ ही रहे हैं पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि कितने बंदे कहाँ सांप बने हमें कद्दू भी नहीं पता। और आखिरकार मुझे एक सांप की मुंडी दिखती है, तो मैं निकालता हूँ अपनी AWM को। अब यहाँ पे यार मैं गुस्से में आ जाता हूँ, मुझे लगता है यार जिस बंदे को मैंने AWM का फटका पेला उसे पेल दिया किसी और ने है ना। तो मैं धैड़ पैड़ गाड़ी लाता हूँ, देखता हूँ कि यार सीन क्या चल रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है नहीं यार मेरी किल चोरी नहीं हुई है, लेकिन जो जिंदा बंदे थे वो लोग ढिल चुके हैं और एक ही बंदा बाकी है। और ये वाला नोक बंदा बहुत चालाक होता है, मतलब यार ये रिवाइव होने के लिए कहीं पे भी नहीं जाता भाई, यहीं बैठे होते हैं, जिसकी वजह से यार आखिरी बंदा किधर है हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन धीरे धीरे वो भी पता लगाएंगे। और ये आवाज सुन के मैं बहुत डर जाता हूँ अरे, मतलब यार अभी नेड को धोखा दिया है, नेड के मुंह के सामने से बच के आया हूँ मैं, दरवाजा पहले यार, नेड अब आखिर में जाके बदला ले ले तो दुख बहुत होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे की तरफ रहता हूँ और जिस हिसाब से स्मोक वगैरह हो रहा होता है यार, बंदा आगे ही नीचे कहीं पर बैठा है और फुटी स्टेप भी आना चालू करते हैं। तो करना क्या है यार, हम लोग ठीपी पी ले रहे हैं और वो बंदा पूरी जोश में पूरी जान लगा के ऊपर पे रस करता है। तो M4 चलाने का टाइम आ चुका है। नहीं है अब ये वाला मैच जीत के मैं खुश बहुत होता हूँ, लेकिन देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है आगे वाले मैचेस में गलत सीन जरूर होंगे है ना। मतलब यार नेड से पंगा लिया है, हलवा नहीं चल रहा है यहाँ पे, नेड बदला जरूर लेगा। लेकिन यार वो सीन करके ना मतलब मज़ा टैप आ जाता है। देखो वहाँ पे मैं हील कर रहा था, शायद मुझे पता था अगर मैं भागने की कोशिश करूँगा मैं कद्दू भी नहीं बचूंगा है ना। और नेड यार, नेड और अपना पहले से ही गलत सीन है, तो मैं भग भी जाऊँगा तो भी मैं ठिल जाऊँगा। तो मैं करता हूँ दरवाजा बंद, दरवाजे पे टकराता है नेड, दरवाजे से थोड़ा पीछे जाके गिरता है, दरवाजा फट जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा रहता है। क्योंकि यार अगर वहां पे नोक होता ना मैं, तो मैं सही बता रहा हूँ कहीं से भी नहीं बचते हम, इतने सारे बंदे लेटे पड़े थे। खैर आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक एक्स बैट को चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे गलत सीन, ऐसे गलत पंगे तुम्हारा भाई लेता रहता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।